प्रति कुलपति महोदय डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वे कृपया ज्ञान दीक्षा की पृष्ठभूमि बताने हेतु हम सभी के मध्य पधारे। मित्रों, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूंगा। माँ गायत्री का मंत्र पवित्रता का, प्रखरता का, सद्भाव का, सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा देने का मंत्र है। शब्दों के प्याले में भावनाओं का रस डाला जाता है तो मंत्र बन पाता है। बिना भावनाओं के आप शब्दों को दोहराएं तो शब्द बन करके रह जाते हैं, व्यक्तित्व के अंदर कोई स्थायी परिवर्तन नहीं कर पाते। तो एक बार सभी से विनम्र प्रार्थना है कि जो जहाँ है वहाँ स्थिर हो जाए, शरीर से, मन से, भावनाओं से स्थिर होकर के परमात्मा को पुकारें इस भाव के साथ कि उनकी उपस्थिति हमारे अस्तित्व को एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा से सराबोर कर दे, ओतप्रोत कर दे। इस भावना के साथ माँ गायत्री का, देव शक्तियों का आवाहन, हृदय से गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओ गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म एवं दिव्य संरक्षण में आज के इस 31वें ज्ञान दीक्षा पर्व के शुभ अवसर पर हम लोगों के मध्य उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मेशानंद जी, उनके साथ आई स्वामिनी जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबकी श्रद्धा के केंद्र श्रद्धेय कुलाधिपति जी, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज, गायत्री विद्यापीठ, ब्रह्मोच्च शोध संस्थान के सभी आचार्य आचार्यगण, कार्यकर्तागण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री विद्यापीठ के सभी पुराने और नवप्रवेशी विद्यार्थीगण एंड ऑल द इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू। और आप सभी विद्यार्थियों का भी बेटा इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में भाव भरा स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान दीक्षा की इस पृष्ठभूमि के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं तो जीवन के सौभाग्य के विषय में दो बातें कहना चाहूँगा। हम लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जिनको कि हम जीवन परिवर्तन का क्षण कह सकते हैं। दे आर द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। जीवन परिवर्तन का क्षण वो क्षण होता है जब आपको आपके जीवन के पथ का, दिशा का, उद्देश्य का स्पष्ट बोध हो जाता है। देयर लीव्स नो कन्फ्यूजन व्हाटसोएवर, देर इज नो डाउट। आपको स्पष्ट बोध हो जाता है कि मुझे अपने जीवन को किधर, किस सोच के साथ, किस दिशा में लेकर के चलने की आवश्यकता है। समर्थ गुरु रामदास विवाह के मंडप में खड़े थे तो शादी कराने वाले पंडित ने कहा सावधान, और जैसे ही उनने सावधान कहा, समर्थ गुरु रामदास ने सोचा कि मुझसे सावधान होने को कह रहा है, उनने विवाह के मंडप को छोड़ा, सन्यासी बन गए। वो क्षण उनके जीवन परिवर्तन का क्षण था। चेतना में विवेकानंद के एक प्रश्न उभरा कि भगवान है या नहीं। उनने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया कि आपने भगवान को देखा है, और रामकृष्ण परमहंस ने कहा बेटा देखा ही क्या है, दिखा भी सकता हूँ, इधर आ। और वो क्षण नरेंद्र के विवेकानंद बनने का क्षण था। गोस्वामी तुलसीदास पत्नी के प्रेम में आरक्त होकर के धाराओं को चीर करके, मुर्दे का सहारा लेकर के, लटकते हुए अजगर को रस्सी समझ करके चढ़ करके अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचे तो पत्नी बोली जितना प्रेम आपको इस हाड़ मास की देह से है उतना भगवान से हुआ होता ना, भव सागर से तर गए होते। वो क्षण उनके तुलसीदास बनने का क्षण था। और प्यारे बच्चों, महापुरुष अपने जीवन के द्वार पर दस्तक देते इन क्षणों के साथ न्याय कर सके, उनको सौभाग्य में बदल सके, क्योंकि वो इन क्षणों के लिए तैयार थे, सावधान थे, जागरूक थे। दे वर रेडी टू एम्ब्रेस दोज अपॉर्चुनिटीज। यदि आप लोग उन क्षणों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो आपके जीवन में भी एक नई दिशा का उदय हो जाता है। नहीं तो न जाने कितनों से शादी कराने वाले पंडित ने सावधान कहा होगा, वो सारे के सारे समर्थ गुरु नहीं बन गए, सावधान सुनकर के भी असावधानी कर बैठे, शादी कर ली।
और न जाने कितनों ने उनके मन में प्रश्न आया होगा कि भगवान है या नहीं, वो सबके सब विवेकानंद नहीं बन गए। न जाने कितने की पत्नियों ने उलाहना दिया होगा, वो सारे के सारे गोस्वामी तुलसीदास नहीं बन गए। वो बनने के लिए यू शुड बी रेडी टू इम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी। जब आपके द्वार पर अवसर दस्तक दे तो उसको सौभाग्य में बदलने के लिए आप तैयार होने चाहिए। और आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व आपके लिए यही अवसर और यही सौभाग्य लेकर के आया है। यदि आप लोग तैयार हैं तो ये आपके जीवन में एक नई दिशा का उदय कर सकता है। ये क्षण आपके जीवन में एक नई सोच, नया चिंतन, नया आयाम खोल सकता है यदि आप तैयार हैं तो। यदि आप तैयार हैं तो ये क्षण आपके व्यक्तित्व में एक नई सुगंध, आपके व्यक्तित्व में एक नया सौंदर्य, एक नई खूबसूरती दे सकता है। शर्त एक ही है कि आपको तैयार होना चाहिए। आप स्वयं यदि अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए तैयार हैं, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, अदरवाइज नथिंग इज पॉसिबल। दुनिया का कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो और घड़ा उल्टा लखड़ा हुआ हो, भर नहीं सकता। यदि आप स्वयं अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया का कोई उपदेश और कोई शिक्षा और कोई महापुरुष आपको बदल नहीं सकता। बदलने के लिए, उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व वही चुनौती आपके लिए लेकर के आया है। यदि चुनौती आप स्वीकार करने की स्थिति में है तो आप युवा बन जाते हैं। अदरवाइज युवा है क्या? युवा वही तो है जो अपने जीवन की नाव को चुनौतियों से, संघर्षों से, झंझावातों से, प्रहारों से, आघातों से टकरा करके किनारे को छूना जानता है, वही युवा कहलाता है। जिनका जीवन समझौते करना जानता है, जो चुनौतियों को देखकर घबराते हैं, अवसरों को देखकर मुंह छुपाते हैं, जिनके अंदर संवेदना और साहस ढूंढने से नहीं मिलते, सो गए, शौर्य है, पराक्रम है, करुणा है, मानवता है, ढूंढने पर भी उनके दर्शन नहीं होते, धिक्कार है उनकी जवानी पर। 20 के हों, 30 के हों, उस नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको लेकर के आप आधार का प्रमाण पत्र बनाते फिरिए, पर जब संस्कृति के उत्थान की, क्रांति के अभियान की और राष्ट्र के निर्माण की गाथा लिखी जाएगी तो उसमें उन मुर्दा व्यक्तित्वों का नाम कहीं नहीं होगा। दे वोंट बी एनीवेयर। बर्टन रसल ने कहा है कि आदमी उसी क्षण मर जाता है जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं। मर तो उसी क्षण गया है, दफनाया बाद में जाएगा, मर तो उसी समय गया। यदि आपके अंदर के सपने मर गए, आपके अंदर का संकल्प मर गया, आपके अंदर की जवानी मर गई। सच्ची जवानी तो वो है दोस्तों जब आप अंदर के अंधेरे पर विजय पाना जानते हैं। सच्ची जवानी वो है जब आप दुखियों के दुख को दूर करना जानते हैं। सच्ची जवानी वो है जब आप भटकों को राह दिखाना जानते हैं। वो नहीं है जो बाहर हल्ला गुल्ला चल रहा है कि मैंने बनाया चूरमा, भोले तुझे खाना पड़ेगा। क्या पागलपन है? आपने बनाया होगा, भोले क्यों खाएंगे आपका चूरमा? ये क्या, ये जो बेवकूफ़ी है इसका नाम जवानी नहीं है। जवानी वो है बेटा जब आपके हृदय में परिवर्तन की आग आती है और वो आग आपको देने के लिए, वो जवानी की सोच आपको देने के लिए, वो आपके अंदर बहती जवानी से आपको परिचित कराने के लिए आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व। जब श्रद्धे कुलाधिपति अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ दीक्षा के मंत्रों से दीक्षित करेंगे तो उनका उद्देश्य मात्र संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि आपके सोच के अंदर, आपके चिंतन के अंदर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए एक जज्बे को पैदा करना है। क्योंकि आज एक देश, अपना देश, ये तड़पता हुआ समाज, ये भटकी हुई मानवता ऐसे जज्बे वाले व्यक्तित्वों की तलाश बड़ी शिद्दत से कर रही है। और इसलिए कर रही है क्योंकि दुनिया स्वार्थ की, अहंकार की दुनिया हो गई। यदि हर व्यक्ति यही सोचे कि साहब मेरी ही इच्छा पूरी हो जाए तो भटकने के सिवाय हमें मिलेगा क्या? व्यक्ति भटके हुए हैं, परिवार टूटे हुए हैं, समाज बिखरे हुए हैं। स्वार्थ और अहंकार को लोग प्रैक्टिकल होना मानते हैं। धर्म है, न्याय है, नीति है, सदाचार है, वो गुजरे कल की बातें हो गए हैं। और ये जमाना बदलाव की चाहत रखता है। अदरवाइज यदि हम लोग इसको ऐसा ही छोड़ करके गए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ करके नहीं जाएगी। हम लोग यही सोचते रहे कि हर व्यक्ति यदि इसी सोच के साथ जिंदा रहे कि मैं दूसरे की जेब फाड़कर और दूसरे की आंख उखाड़ करके जिंदा रहूंगा तो शमशान के सिवाय हमारे बच्चों के लिए कुछ छूटेगा नहीं। तो ये दुनिया बदलाव की चाहत रखती है। और आज इस दुनिया को चिंता की नहीं, चिंतन की आवश्यकता है। आज इस दुनिया को नीति की नहीं, नियत की आवश्यकता है। आज इस दुनिया को औजार की नहीं, आचार्यों की आवश्यकता है। आज इस दुनिया को व्यक्तियों की नहीं, व्यक्तित्वों की आवश्यकता है। और आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व इसी शुभकामना का पर्व है, इसी मंगल कामना का पर्व है कि वैसा व्यक्तित्व आप लोगों के मध्य से निकल करके आए। आप लोग यहाँ आए हो व्यक्तित्व को लेकर के जाओ। डिग्रियां लेने के लिए भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय है। यहाँ आए हो तो अपने अंदर के गुरुदेव को, विवेकानंद को, भगत को, सुभाष को, गार्गी को, घोषा को, निवेदिता को, संघमित्रा को जगा करके जाओ। आग के पास आप लोग बैठे हो तो चिंगारी लेकर के जाओ, नहीं तो हाथ ताप करके तो बहुत सारे लौट जाते हैं बेटा। यहाँ पर आप लोग आए हो तो व्यक्तित्वों को लेकर के जाओ। एक छोटी कहानी सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम लोग छोटे थे तो पूज्य गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति था, राजा था, जंगल में गया शिकार खेलने के लिए तो रास्ता भटक गया। तो एक किसान था, उसने उसको रास्ता दिखाया, भूखा प्यासा था, भोजन कराया और वापस रास्ते में छोड़ करके आया। तो राजा ने कहा, ऐसा है बेटा कि आपने मेरा जीवन बचाया है,
कभी भी आपके मन में कोई मनोकामना आए मुझसे मांग लेना, जब भी, आज नहीं 30 वर्ष लगेंगे, 30 वर्ष बाद मांग लेना, पर जो मांगोगे वो मैं दूंगा, जो भी आपके मन में इच्छा होगी वो मांगोगे और मैं दूंगा, आप राजपाट भी मांगोगे तो मैं दूंगा। 3 वर्ष गुजर गए, 3 वर्ष के बाद किसान के मन में आया कि अब मैं राजा से जाकर के मांगता हूँ, क्या मांगने की आवश्यकता है। तो राजा के पास गया और राजा से बोला कि साहब मुझे समझ में आ गया। राजा ने देखते ही पहचान लिया, बोला ठीक है आप आ गए। बोले हाँ, क्या मांगना है। बोले साहब इस बार कद्दू की फसल नहीं हुई, आप कद्दू दे दीजिए। तो गुरुदेव कहते थे राजा के पास गए और मांगा क्या, कद्दू। बेटा आप लोग आए हो, भगवान के संरक्षण में आए हो, यहाँ आए हो तो व्यक्तित्व लेकर के जाओ, डिग्रियां मात्र लेकर के मत जाओ। डिग्रियां लेने के लिए तो हर गली हर कोने में दुकान खुली हुई है, पर व्यक्तित्व बदलने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है, उसका नाम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। वहां पर आप खड़े हो तो फिर भगवान को अपने अंदर धारण करके जाओ। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।